सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद प्रप्रीत। और एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या रोड ट्रिप रहेगा और वीडियो पूरा किस बारे में रहेगा। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं माल देवता, जो कि पड़ता है देहरादून और हरिद्वार, दोनों ही रास्ते से पड़ता है, दोनों ही ऑप्शन है। आपको पता ही है कि मैं ऐसे में रुड़की में रहता हूँ, तो हम वाया हरिद्वार भी जा सकते हैं और हम वाया देहरादून भी जा सकते हैं। पर यह है कि हम लोग वाया हरिद्वार जा रहे हैं। एक्चुअली देहरादून का थोड़ा रास्ता इस तरह का है कि बारिश वारिश बहुत हो रही है, लैंडस्लाइड भी थोड़ी बहुत चली रही है, वहाँ का मौसम थोड़ा क्लियर नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग वाया हरिद्वार जा रहे हैं। तो अभी हम जस्ट रुड़की से निकले हैं, बस पेट्रोल डलवाया है बाइक में और मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रखा है, मतलब मजा आ रहा है एकदम। आज परफेक्ट डे है घूमने का ना। टाइम हो रहा है 10:44, आप देख सकते हैं। तो बस स्टार्ट कर दी हमने अपनी जर्नी, साथ साथ में आपको बढ़िया बढ़िया सीन्स भी दिखाएंगे रास्ते के। और यहां से हम पकड़ते हैं हाईवे। और फ्रेंड, इस रोड ट्रिप पर ना मेरे साथ मेरा भाई भी है जो मेरे पीछे बैठा है बल्कि, और उसका भी साथ साथ वीडियो का शूट चल रहा है। तो आप दोनों वीडियो चेक कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। और ये आ गए फ्रेंड्स हम रुड़की के आउटर पर। इस पुल को क्रॉस करके बस रुड़की का आउटर साइड स्टार्ट हो जाता है। और ये देख सकते हैं सीन, इतना अच्छा लग रहा है, खुला खुला ना एकदम। ये अच्छा फंस गया यार आगे। खतरनाक ऑफ रोडिंग मिलती हुई। और फ्रेंड्स, ये अब आ गए हैं हम हरिद्वार रोड पर, मेन जो रोड है हरिद्वार का। और बादल आप देख सकते हैं कितने अच्छे हो रखे हैं, मौसम परफेक्ट है यार एकदम घूमने वाला। तो फ्रेंड्स, हरिद्वार में एंटर हो चुके हैं और यार यहाँ तो बारिश हो रही है, सड़कों पे आप देख सकते हैं पानी। रुड़की में हालांकि बारिश नहीं थी और काले बादल भी सामने बहुत दिख रहे हैं, तो हो सकता है यार जहां हम जा रहे हैं वहां पे बारिश भी मिले। बाकी अब देखते हैं, निकल तो पड़े ही हैं घर से। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं जॉली ग्रांट वाले रास्ते पर और आप देख सकते हैं मौसम भाई शुक्र है खुल गया है, पूरा धूप आ गई है यहाँ पर। अब तो बस फटाफट डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, रास्ता एकदम साफ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बीच में रुके थे और ये है सोंग नदी, आप देख सकते हैं पानी का फ्लो काफी, और पानी साफ कितना है यार, काफी बड़े एरिया में है ये पूरा, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यार, एकदम नेचुरल व्यू ना। सॉरी। तो फ्रेंड्स, माल देवता में हम एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सीन है, मतलब एकदम पहाड़ ऊबड़ खाबड़ रास्ते। और अब देखते हैं धीरे धीरे आगे चलते हैं, और अभी इनका ब्रिज भी आने वाला है जो माल देवता का मेन ब्रिज है। और पहाड़ आप सामने देख सकते हैं, कितने प्यारे घर कितने प्यारे लग रहे हैं यार। तो फटाफट चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखे यार कितना प्यारा मतलब सीन है, पहाड़ ही पहाड़ हर तरफ। एक मेन रास्ता है यहाँ से, मतलब एक तरफ ही आप देख सकते हैं टिहरी झील की तरफ जा रहा है, चंबा की तरफ जा रहा है, और इधर है दूसरी साइड जा रहा है रास्ता। अभी फिलहाल अभी तो माल देवता के लिए आए, वही चलते हैं यार। ये हम लास्ट टाइम जो धनौल्टी गए थे, हम इसी रास्ते से गए थे ना,
भाई साहब जबरदस्त रास्ता है। यहाँ तो रुक के पहले यहाँ रुक ले। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये है माल देवता का ब्रिज, बहुत ही प्यारा ब्रिज है यार, देखने में इतना सुंदर लग रहा है। और नीचे नदी में आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, अगर आपको देख पा रहा हो तो। अभी वैसे चलेंगे हम वहाँ नीचे भी, और लोग यहाँ फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे हैं पुल पर खड़े होकर, हम भी करवाएंगे पर अभी पहले नीचे घूम लेते हैं, वापस आते हुए फिर यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। अब बड़ा प्यारा सीन है यार, ये देख सकते हैं हम। विराजमान तो हुई है रथ पे पहले। ये वाटर क्रॉसिंग आती हुई, ओ भाई साहब बड़ी गहरी थी ये तो, बहुत गहरी थी यार। भीड़ बहुत हो रखी है भाई, संडे के टाइम है, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं। देखते हैं ना, क्या पता और पैदल चलना पड़े, फिर तो और आगे तक ले जाते हैं। उद्घाटन करते हुए फ्रेंड्स ये आ गए हैं माल देवता के मेन स्पॉट पर, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्पॉट है, पत्थर इतने बड़े बड़े हैं। हैं पानी के पास, तो ये है फ्रेंड सारा नजारा, लोग बाग आप देख सकते हैं। ऊपर पहाड़ भी आ रहे थे, मतलब जबरदस्त जगह है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं माल देवता में, और अभी भाई ने तो शूज उतार लिए अपने, वो तो पानी में घुस गया है। और ये हैं भाई साहब, हाय। और क्या कहते हैं, अभी बस मैं भी अब शूज वगैरह उतार कर पानी में घुसने को उतारूंगा, वैसे मैं जल्दी से जाता नहीं हूँ पानी में। वेलकम टू माल देवता, अपना अपना करो, अपना अपना करो, अपना अपना ऊपर करो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैं भी जस्ट अभी पानी में जाऊंगा और एंजॉय करूंगा, क्लिप्स वगैरह आप देख सकते हैं आगे वीडियो में। अभी लाइव ये बंदा पेंटिंग करे, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था, और बहुत ही मैंने पास जाकर देखा, बहुत ही सच में इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई, बिल्कुल रियल उसमें। और क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी आर्ट वर्क्स वगैरह करता हूँ स्केच के, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उनसे। बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क है यार इनका, सच में टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा ये। तो भाई कुछ ये कलाकारी करी है हमने अभी, अलग अलग कलर के पत्थर वगैरह ढूंढ कर यहाँ से, और इस टाइप की ये बिल्डिंग टाइप बनाई है, बड़ा प्यारा लग रहा है मतलब देखने में ना।
तो फ्रेंड्स ये सब हमने इंजॉय किया यहाँ पर माल देवता में, पानी में भी इंजॉय कर लिया, क्लिप्स आपने देख ली है और आई होप आपको पसंद भी आई होंगी क्लिप्स वगैरह। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं जो इनका मेन ब्रिज है, वहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो शूट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और भाई ये देख सकते हैं आप थोड़ा हाइट से, ये हम पहाड़ के दूसरी साइड आए हैं और यहाँ से पूरा व्यू इतना अच्छा आ रहा है यार। और ये दूसरा यूट्यूबर अपना ब्लॉग करते हुए। तो फ्रेंड्स अब करते हैं वीडियो को एंड यहीं पे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हालांकि माल देवता फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी पता नहीं था कि इतना मजा आएगा, इतना अच्छा होगा देखने में सीन वगैरह। और भाई साहब कैसा लगा आपको फिर वीडियो? भाई नो डाउट मैं यही कह रहा हूँ, मैंने अभी अपने व्लॉग की उसमें भी यही कहा कि जो हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए हैं उससे तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। बस मई जून में आई, अभी नवंबर सितंबर अक्टूबर में आएगी जब थोड़ा मौसम भी बादलों वाला हो, तब यहाँ पानी में पैर डाल के बैठने में बहुत मजा आएगा। और वीडियो आपको सच में पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भाई के चैनल को भी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।